हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नया दिन नया वीडियो और आज नए प्रोडक्ट्स नया प्रोडक्ट नहीं क्योंकि हर बार ज़्यादातर मैं पिछले वीडियोस में आपके सामने नए वीडियो के साथ एक नया प्रोडक्ट लेके आता था पर अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं ढेर सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ और आपको पता है कि अभी जो है नवरात्र चल रहे हैं माता रानी का पूजन चल रहा है तो अभी अष्टमी और नवमी में जो है ना कन्याओं का पूजन होता है और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कन्या पूजन में हम कन्याओं को क्या दें तो ये तो आज का वीडियो है आज का वीडियो आपको कन्या पूजन में कौन से जो है ना स्टेशनरी गिफ्ट आइटम आप दे सकते हैं जिससे वो जो है ना कन्याओं के यूज के भी हों और कन्याएं खुश भी हो जाए तो इस तरीके के प्रोडक्ट के सजेशन के लिए आप आज का वीडियो है ये जो तो गिफ्ट आइटम्स हैं इनको आप रिटर्न गिफ्ट के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं तो ये जो वीडियो है एक तरीके से कहें कि मल्टीपर्पज़ वीडियो है इसमें मैं आपको चालीस रुपये से ले कर पाँच रुपये तक के स्टेशनरी आइटम के बारे में डिस्कशन करूँगा तो सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन जाने जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ये एक पाउच है ये पाउच कार्टून करेक्टर पाउच है इसको आप दे सकते हैं कन्याओं को इसमें आप देखेंगे कि अभी मैं यहाँ पर आपको ये लाइन किंग कार्टून में शो कर रहा हूँ और ये इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये मेड इन इंडिया है ये इस पर आप देखेंगे यहाँ पर रिटेल प्राइस मेंशन है फोर्टी रुपीज़ ये इस तरीके से ओपन होता है यहाँ और इसके अंदर जो कन्याएं हैं वो अपना सामान रख सकते हैं स्टेशनरी आइटम्स तो एक तो ये हुआ दूसरा जो है ना ये इसका जो प्राइस है फोर्टी रुपीज़ है जो एम है दूसरा जो है ना ये एक इस तरीके का पाउच ये भी आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पाउच है और ट्रांसपेरेंट पाउच की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादातर फाइनल एग्जाम्स में ये आप कहीं भी कहीं भी अगर किसी स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है आपको 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाएगा तो ये दोनों ही पाउच हैं ये दिए जा सकते हैं कन्या पूजन में तो ये जो है ना चालीस रुपये हुआ फिर तीस रुपये हुआ अब तीस रुपये की रेंज में और कौन सा स्टेशनरी आइटम है जो गिफ्ट कर सकते हैं आप इसमें आप देखें सबसे पहले ये स्केच पेन का सेट है ये कैमलिन का स्केच पेन का सेट है ट्वेल्व शेड्स में है इसका जो प्राइस है ये भी थर्टी रुपीज़ में है और सिमिलरली एक ये डॉम्स का भी स्केच पेन का सेट है ये भी थर्टी रुपीज़ में है तो इन दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं आप इन दोनों का अगर कंपैरिजन का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको इन दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगा कि इनको ओपन करके इन इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसी के बाद थर्टी रुपीज़ में ये एक क्ले का सेट है सिक्स शेड्स हैं ये कैमलिन का है इसमें छः डिफरेंट कलर मिलेंगे ये भी थर्टी रुपीज़ एम में है आपको मार्केट में मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने आपको थर्टी रुपीज़ एम में तीन प्रोडक्ट बताए जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं और जिनको कन्या पूजन में गिफ्ट में दिया जा सकता है अब थर्टी रुपीज़ के बाद आते हैं हम ट्वेंटी रुपीज़ में ट्वेंटी रुपीज़ में ये देखिए एक अप्सरा की प्लेटिनम किट है अप्सरा की प्लेटिनम किट में आप देखेंगे कि इसमें एक दो पेंसिल हैं एक इरेजर है एक, एक लॉन्ग पॉइंट शार्पनर है और एक स्केल है तो ये जो है ना ये दोन ये ट्वेंटी रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगी इसी तरीके से डॉम्स की दो किट आती हैं मार्केट में एक डॉम्स की नियोन प्राइम किट है और एक डॉम्स की प्रीमियम किट है इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो प्रीमियम एक्स वन किट है इसके साथ एक, एक पेन मिलता है तो यानी जो जो लोग पेन से लिखते हैं जो कन्याएं उनको आप ये दे सकते हैं या ये रिटर्न गिफ्ट में भी आप दे सकते हैं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको और ये न्यून प्राइम किट है जिसमें जो है ना एक स्केच पेन मिलता है और स्केल इनके साथ मिलती ही मिलती है तो ये दोनों डॉम्स के जो स्टेशनरी किट्स हैं ट्वेंटी एम में ये भी दिए जा सकती हैं इसी तरीके से ये ट्वेंटी रुपीज़ एम में ही एक ये फ्लेयर की राइट मोर किट है इस राइट मोर किट में भी आप देखेंगे कि एक पेंसिल और एक पेन और एक स्केल ये मिलता है इनके पूरे इन चारों के ट्वेंटी रुपीज़ के किट के कंपैरिजन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप उस वीडियो से जो है ना उस वीडियो के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए चैनल से जुड़ने के लिए आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलें और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपको मैं पाँच रुपये तक आइटम स्टेशनरी आइटम के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है अप्सरा का ये आपको देखने में ये हो सकता है पेन लग रहा हो पर यह अप्सरा की मैकेनो इरेजर है ये पेन इरेजर है जो इसका वीडियो ऑलरेडी uh, इस चैनल पे पड़ा हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये भी ट्वेंटी रुपीज़ एम आर में है तो मैंने आपको यहाँ पर पांच आइटम बताए हैं जो ट्वेंटी रुपीज़ में है जो आप कन्याओं में या फिर रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हैं अब इसके बाद बात करते हैं हम पाँच फिफ्टीन रुपीज़ में तो फिफ्टीन रुपीज़ में आपको ये छोटे स्केच पेन मिल जाएंगे जो अभी यहाँ पर डॉम्स के हैं और मेरे पास अभी ये जो है ना इस्कूडल के हैं बट आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैमलिन के भी मिल जाएंगे डॉम्स और स्कूडल तो मैंने आपको शो किए ही हैं बाकी और किसी कंपनी के भी आप फिफ्टीन एम में स्केच पेन या फिर वाटर कलर ले सकते हैं इसके साथ ये है एक अप्सरा का स्पेस पॉल शॉपनर इसकी जो है ना ख़ासियत ये है कि ये इसके अंदर जो है जब ये पेंसिल शॉप शार्प करते हैं तो ये कचड़े को बाहर नहीं आने देता अगर आपको इस के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए मैं इसके बारे में भी किसी वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊँगा पूरा इसकी डिटेल में तो मैंने आपको यहाँ पर फिफ्टीन रुपीज़ में तीन आइटम बताए हैं अब चलते हैं टेन रुपीज़ के टेन रुपीज़ की रेंज में जब आप जाते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ आइटम्स मिल जाते हैं। बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे टेन रुपीज़ में सबसे पहले अगर हम इरेजर में जाएं तो ये एक नट नटराज की इरेजर है नटराज पेटल्स इरेजर ये टेन रुपीज़ में है इसमें फाइव इरेजर्स मिलती हैं इसमें फाइव इरेजर मिलेंगी और एक ये डॉम्स की जो है ना ये आइसक्रीम इरेजर भी बोलते हैं इसको एम टेक इरेजर इसमें आपको अलग अलग कलर में मिल जाएंगी ये इससे इसकी के साथ नटराज की जो ट्राइकॉन इरेजर है ये एक्चुअली ट्वेंटी एम में है इसके साथ जो है ना ट्वेंटी एम में यहाँ पर टेन इरेजर्स मिलते हैं तो ये इस सेक्शन में आएगा तो ये यह यहाँ पर ट्वेंटी एम में छः आइटम्स हो जाएंगे इस सेक्शन में इसके बाद ये अगर हम शॉपनर इरेजर की बात कर रहे थे तो ये डॉम्स का इरेजनर है ये भी टेन एम में मिलता है डॉम्स का इरेजनर और इसी से मिलता जुलता है अप्सरा का टाइडी शॉपनर ये टाइडी शॉर्पनर जो है ये भी टेन रुपीज़ में ही मिलता है तो इसको भी आप दे सकते हैं इसके साथ टेन रुपीज़ में ही टेन ये वैक्स क्रियन्स है जो मैं आपको दो सैंपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ डॉम्स और स्कूडल के बाकी आप आर्ट लाइन के भी देख सकते हैं कैमलिन के भी देख सकते हैं और किसी और दूसरी कंपनी के भी ये जो, न, क्रियोंस जो है ना क्रियस जो हैं ये भी टेन रुपीज़ में ही हैं नेक्स्ट इसके बाद है डॉम्स की, की स्पोर्ट्स इरेजर ये जो डॉम्स की स्पोर्ट्स इरेजर है यानी डॉम्स की कार इरेजर इसका जो प्राइस है वो भी दस रुपये है इसको आ, ये इरेजर के और कौन कौन से टाइप की इरेजर आती हैं इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि एक वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर के बारे में डिस्कशन किया गया है अब पेंसिल्स के सेगमेंट में ही हम और आगे चलते हैं तो एक जो पेंसिल है वो ये है ये लॉन्ग पेंसिल ये जो है ना एक तरीके से डबल साइज पेंसिल है जो नॉर्मल आती है उस पेंसिल का डबल साइज है ये पेंसिल भी आपको मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली टेन रुपीज़ के रेंज में मिल जाएगी पेंसिल में ही और चलें तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ को क्लिक पेंसिल का एक सैम्पल शो किया है ये कार्टून करेक्टर में पॉइंट सेवन एम एम इसी तरीके से आप पॉइंट फाइव एम एम और अलग अलग कार्टून करेक्टर्स में भी इसको देख सकते हैं या फिर आप प्लेन पेंसिल देख सकते हैं प्लेन पेंसिल ये कलर्ड है इसकी कलर्ड बॉडी है और ये 2.0 है तो आप किसी भी कंपनी के चाहे वो कैमलिन हो चाहे डॉम्स हो या अक्सरा हो या आर्ट हो अलग अलग कंपनीज़ की ये पेंसिल जो क्लिक पेंसिल हैं ये आपको आसानी से टेन रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगी इसके बाद हम चलते हैं उन जो है ना कन्या की तरफ जो पेन यूज़ करने लगे हैं अगर इस सेक्शन में जाएँ तो आप टेन रुपीज़ का कोई भी पेन देख लें वो पेन आप उनको दे सकते हैं अभी मैं यहाँ पर आपको सैंपल के लिए कुछ पेन शो कर रहा हूँ जैसे ये देखिए ये जो पेन है ये फ्लेयर सॉरी सैलो का बटर जेल बटर जेल है ये देखिए बारबी प्रिंट में है तो ये बारबी नहीं फ्रोजन प्रिंट में है तो ये फ्रोजन प्रिंटेड बॉडी का ये पेन आप दे सकते हैं ये एक अच्छी चॉइस है इसी के साथ साथ फ्रोजन के बॉडी प्रिंट के साथ साथ और कार्टून करेक्टर प्रिंट में भी आपको पेन मिल जाएंगे ये देखिए ये सिंड्रेला बॉडी प्रिंट में हैं ये सुपरमैन बॉडी प्रिंट में हैं और ये आप देखेंगे अवेंजर्स की बॉडी प्रिंटेड है और ये भी अवेंजर्स की तो ये कुछ कार्टून करेक्टर जो प्रिंटेड हैं या फिर हम कहें कि करेक्टर प्रिंटेड बॉडी के साथ आते हैं और कुछ पेन मिलेंगे आपको कलर्ड बॉडी में तो कलर बॉडी में भी आपको अलग अलग तरीके के पेन मिल सकते हैं मैंने इससे पहले आपको एक सेलो का पेन का जो वीडियो बनाया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वो वीडियो देख सकते हैं ये हॉज़र का कलर्ड बॉडी में पेन है ये चलने में ब्लू है बट बॉडी इसकी कलर है इसी तरीके से ये रेनोल्ड का जो है ना जेल है ये भी कलर्ड बॉडी में है बट ये चलने में ब्लू है तो ये टेन रुपीस में अगर हम देखें तो आपके पास बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी रिटर्न गिफ्ट या फिर कन्या पूजन के लिए इसके बाद हम चलते हैं ये ये आप देखेंगे ये जो बेंच या पेंसिल है ये इस पेंसिल की जो कीमत है वो केवल सात रुपये ये अगर हम इसको अब जो है ना जिन लोगों ने पहले यूज़ किया है तो इसमें क्या होता है कि इसके जो टिप है इसको आप निकाल के पीछे से दोबारा से लगा दें तो ये बाहर आगे इसकी जो है ना नीब निकल के आ जाती है तो ये पेंसिल भी आप जो है ना कन्या पूजन में दे सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये एक टुडेज का पेन पेंसिल और इरेजर ये थ्री इन वन है ये थ्री इन वन क्या है कैसे है क्योंकि यहाँ पर ये एक पेंसिल है बैक साइड में ये पेन है और ये इरेजर है इसका भी वीडियो मैं आने वाले टाइम में इस इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा तो ये किस तरीके से है इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करने के बाद इसकी जो कीमत है वो है छः रुपये पर पीस यानी ये जो पैकेट है ये कंप्लीट पैकेट थर्टी रुपीज़ का मिलता है और इसके बाद अब आते हैं हम पाँच रुपये सेक्शन में तो पाँच रुपये सेक्शन में आप देखें जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है डॉम्स की नियोन इरेजर इसमें देखिए ये जो इरेजर है ये पांच डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है ये इनमें से आप कोई भी जो है ना कलर कन्या पूजन में दे सकते हैं और अगर थोड़ा सा और वेरिएशन में जाना है तो आप कलर्ड इरेजर ना देखें कोई और पेंसिल दे सकते हैं क्योंकि पाँच रुपये सेगमेंट में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी जो कन्या पूजन या फिर रिटर्न गिफ्ट में दिया जा सकता है अब इसमें से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पाँच रुपये में कन्या पूजन तो देखिए कन्या पूजन अपने सामर्थ्य के हिसाब से होता है जिसको जिस रेंज में आइटम कन्या पूजन में देने हैं वो उस तरीके से दे सकते हैं तो आज मैंने आपको चालीस रुपये से ले कर पाँच रुपये तक के स्टेशनरी प्रोडक्ट बताएं जिनको आप कन्या पूजन या फिर रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हैं तो इसी तरीके से आपको आने वाले टाइम में मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँगा उन वीडियो से की अपडेट लेने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी